राखी कर रही है आदिल को झूठे केस में फंसाने की साजिश। आदिल के वकील के स्टेटमेंट आए हैं सामने। आइए जानते हैं आखिरकार क्या है आदिल के टीम की तरफ से राखी के खिलाफ स्टेटमेंट्स। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइस, लगातार आपको बता दूं कि राखी सावंत की जिंदगी फुल टू कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो पर्सनल तो बिल्कुल नहीं रही। ऐसे में हाल ही में राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुर्रानी पर केस दर्ज किए, जिसमें उन्होंने बताया कि आदिल ने उन्हें धोखा दिया है, चीटिंग की है, फ्रॉडरी की है। देखा जाए तो पहले ऑलरेडी आदिल शादीशुदा है पहले से, साथ ही साथ राखी सावंत के 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने लूट लिया उनसे, और कई सारे मामले धीरे धीरे खुलते गए हैं आदिल के खिलाफ। अब जाकर कोर्ट में बेसिकली आदिल के टीम यानी कि आदिल के जो वकील हैं उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जिनका नाम नीरज गुप्ता है। उन्होंने बताया कि आदिल इज फ्रॉम अ वेल स्टेबल फैमिली, आदिल को राखी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। राखी बेसिकली कुछ पैसे जो है वो अपने एक्स हस्बैंड रितेश से ली है और वो यही सेम स्ट्रैटेजी आदिल के साथ भी निभाना चाहती है। कहीं ना कहीं आदिल के साथ वो गलत इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि राखी इज़ नॉट सच अ वुमेन जो कि आदिल के मार को सह लेगी। शी इज़ क्वाइट बोल्ड एंड शी इज़ क्वाइट बोल्ड एनफ टू ब्रिंग इट आउट। तो यहाँ पर राखी ने जो इल्ज़ाम लगाया कि आदिल ने उस पर मारने और हमले की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। साथ ही साथ नीरज ने पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स आदिल के प्रूफ के तौर पर सबमिट कराए हैं कोर्ट में, जिससे ये साबित होता है कि आदिल फ्रॉड नहीं है या आदिल ने राखी के पैसे नहीं लिए हैं। तो आप बताएं इस पर आप कितने सहमत हैं? क्या वाकई आपको भी लगता है कि राखी ने ये सारा ड्रामा किया है और राखी झूठ बोल रही है आदिल के खिलाफ? क्या आदिल को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है? आप अपने रिएक्शंस बताएं इस पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।